बॉलीवुड पर आज अगर कोई अभिनेता राज कर रहा है तो उसमें केवल सलमान खान, शाहरुख खान का नाम ही नहीं है बल्कि अजय देवगन भी आज इस लिस्ट में सबसे ऊपर शामिल होते हैं, जो अपने हर एक किरदार के साथ दर्शकों का मनोरंजन करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि दर्शक इनकी हर एक फिल्म को देखने के लिए खींचे चले आते हैं। इसलिए तो ये एक बार फिर से तैयार है अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट से दर्शकों का दिल जीतने के लिए। जी हाँ, खबरों के मुताबिक हमें जल्द ही अजय देवगन अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट सुदर्शन के साथ पर्दे पर नजर आने वाले हैं, जिसके बारे में आज के हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर कौन सी होगी फिल्म की स्टार कास्ट, क्या कहानी होगी और ये फिल्म कब तक आएगी। अगर आप भी इन सब सवालों को जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन इससे पहले अभिनेता अजय देवगन के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से अपने जबरदस्त एक्शन और डायलॉग से हर किसी को अपना दीवाना बनाने वाले अभिनेता हैं अजय देवगन, जो आज अपने करियर में गोलमाल सीरीज, ओमकारा और सिंघम जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में दे चुके हैं, जिनकी हर एक फिल्म में इनका एक नया और वर्सटाइल रूप देखने को मिलता है, जिसके चलते दर्शक भी अजय देवगन की हर एक फिल्म को अपना भरपूर प्यार देते हैं। हाल ही में अपनी फिल्म RRR और मैदान को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। जहाँ ये कुछ समय पहले ही इन फिल्मों के साथ सुर्खियों में बने हुए थे, तो वही अब खबरें आ रही हैं कि अजय देवगन जल्द ही एक नए फिल्म के साथ पर्दे पर दस्तक देने वाले हैं और वो फिल्म है सुदर्शन। जी हाँ, हमें जल्द ही अजय देवगन स्टारर फिल्म सुदर्शन देखने को मिलने वाली है। खबरों के मुताबिक ये फिल्म अजय देवगन के बैनर तले ही बनने वाली है, जिसके डायरेक्शन का काम इन्होंने डायरेक्टर रोहित शेट्टी को दिया है। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी पर काम शुरू किया जा चुका है। आपको बता दें कि अब जब फिल्म के लिए रोहित शेट्टी को चुना गया है तो इस फिल्म में एक्शन कैसे नहीं होगा। जी हाँ, ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें कई तरह के रोमांटिक सीन भी ऐड किए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का क्लाइमेक्स तो धमदार होने ही वाला है। वही अगर बात की जाए फिल्म के स्टार कास्ट की, तो फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर अभिनेता अजय देवगन को कास्ट किया जा चुका है, जहाँ ये काफी रफ एंड टफ लुक में नजर आने वाले हैं। वही रफ एंड टफ लुक को टक्कर देने के लिए बड़े ही दिग्गज खलनायक को चुना गया है, जो कोई और नहीं बल्कि अभिनेता डैनी है, जिन्हें इस फिल्म में विलेन की भूमिका निभाते हुए देखा जाएगा। वहीं फिल्म में अपनी खूबसूरती से चार चांद लगाने के लिए फिल्म में अभिनेत्रियों के रूप में कीर्ति सुरेश और काजल अग्रवाल नजर आने वाली है, जहाँ काजल अग्रवाल पहले भी सिंघम फिल्म में इनके साथ काफी अच्छी केमिस्ट्री पर्दे पर उतारते हुए नजर आ चुकी है। पर फिल्म में इन दोनों का किरदार क्या होने वाला है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह इन दोनों के अलावा भी फिल्म के अदरकास्ट के नाम तो रिवील नहीं किए गए और न ही अब तक फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है, जिसके चलते फिल्म को फ्लोर पर आने में अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों, आप अजय देवगन की आने वाली इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।